हैं मेरे प्यारे साथियों, आज एक बहुत अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं रेड लेटर डे है, यानी बहुत महत्वपूर्ण दिवस है कि ना केवल भारत का बल्कि पूरे एशिया में एक पहली बार किसी को, किसी वैज्ञानिक को साउथ एशिया मतलब दक्षिण पूर्व एशिया यानी भारत के नागरिक को सबसे विज्ञान का जो सबसे एक नंबर का पुरस्कार नोबल पुरस्कार हमारे डॉक्टर सीवी रमन चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1928 को उनके रमन इफेक्ट के उपलक्ष में दिया गया था। ये हमारे लिए एक गौरव की बात है, हमारे देश के लिए हमारे नोबल पुरस्कार तो खैर मानवता के लिए पूरे दुनिया के एक के लिए उसको महत्वपूर्ण माना जाएगा और ये भी एक मेरा सौभाग्य है कि मैं डॉक्टर सीवी रमन को बंगलोर में एक बार नहीं कई बार मुझे मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, क्योंकि वो हमारे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर राव थे, एमआरए राव, उनके बहुत अच्छे मित्र थे, उनको मिलने आते थे हमारे डिपार्टमेंट में, तो उस कारण हमको हमारे साथ भी कई बार मुलाकात हुई और उनको उन्होंने एक लेक्चर के लिए भी हमको निमंत्रण दिया था अपने आईएससी से थोड़ा दूर में एक उनका अपना रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट था जो उन्होंने अपने पैसा खर्चा करके वो वहां पे एक इंस्टीट्यूट बेंगलोर में खोला था। तो मुझे अभी तक उनकी बातें कई बार याद आती हैं कि हर एक चीज को देखने का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, क्या अच्छा है या गलत है अपना पहले कोई धारणा लिए बिना उसको आप कैसे देख सकते हैं। और एक और मुझे छोटी सी बात मुझे अभी तक उनकी याद है, वो कहते हैं एक वैज्ञानिक को और आप कुछ ना करें, पैसा ज्यादा लगाने की लाखों करोड़ों की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास लीजिए जो कन्वेक्स लेंस है, डबल कन्वेक्स लेंस, जिससे देखने से आप बड़ी चीज देख सकते हैं। आप कपड़ा देखिए कैसा है, अच्छा है खराब है, थोड़ा सा आप 10 मैग्निफिकेशन जो महंगा नहीं है, मैं अब उसके बाद मैंने अपने पास मेरा बैकपैक में मैं हमेशा अपने पास ये क्या कहते हैं रखता था, अभी मेरे पास है, अभी भी मेरे पास है मैग्नीफाइंग ग्लास, मैं हमेशा रखता हूँ। तो उससे आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है जो आप नॉर्मल आंख से नहीं देख सकते। कपड़ा कैसा है, अच्छा है बुरा है, कई बार हमारी श्रीमती जी पूछती है कि कौन सा इनमें से कपड़ा खरीदो, तो मैं हमेशा अपना मैग्नीफाइड लेंस देखता हूं कि इसमें कुछ डिफेक्ट तो नहीं है जो नॉर्मल आंख से नहीं दिखेगा आपको। तो ये हम लोगों को डॉक्टर सी वी रमन की देन है, उन्होंने बहुत रिसर्च वर्क किया उसमें साउंड के ऊपर, रंगों के ऊपर, और जिसके ऊपर रमन इफेक्ट, एक विजिबल लाइट जाती है वो स्कैटरिंग कैसे होती है वो डिपेंड करता है कि वो सामान कैसा है। हर एक आदमी का जैसे हर एक आदमी का अलग अलग नेचर है, उसी प्रकृति से स्कैटरिंग भी अलग अलग मॉलिक्यूल, अलग गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, उसका उपयोग उन्होंने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया। उन्होंने जो अपना सिस्टम रमन इफेक्ट किया था बहुत क्रूर, ज्यादा पैसा खर्चा नहीं किया, पर उनका उनके जो इफेक्ट होने के बाद रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी अरेंजमेंट्स वो लाखों रुपए करोड़ों रुपए में अभी बिक रहा है और सभी जगह आइडेंटिफिकेशन के लिए कि क्या चीज है, कौन सा मॉलिक्यूल है, क्या चीज है इसके अंदर, और आदमी के शरीर के हड्डी में या कहीं शरीर के अंदर बायोमेडिकल साइंस में भी उसका बहुत उपयोग हो रहा है। तो ये है एक आदमी की
तपस्या जो उन्होंने अंत तक विज्ञान में अपना जीवन दे दिया। तो ये ऐसे आदमी होते हैं जो अपने साथ साथ सारी दुनिया पूरी मानवता मानव जाति का कल्याण करते हैं। तो ये है, और अभी तक ऐसा आदमी कम से कम भारत में तो अभी और नहीं हुआ। भारत मूल के कुछ लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है, किंतु भारतीयों को कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं। डॉक्टर वेंकट रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका हो। तो ये है कि हम लोग क्या सीख सकते हैं। हम लोगों को उनसे यही सीख, उनका एकदम सिंपल थे, सिंपल, कोई बहुत बड़ा नहीं है, और सोचते रहते थे कि क्या होता है क्या नहीं है। जब कई बार अभी जैसे इन्होंने भी हमको बोला कि फूलों की एग्जीबिशन लगती थी लाल बाग में, तो उनको आप हमेशा अपने क्या कहते हैं वो मैग्नीफाइंग लेंस के साथ देखते थे, और उससे कैसा उसकी संरचना है, कैसे है, वो सब देखते थे। ये जानने की एक उत्सुकता जो है उनमें, बच्चों की तरह, छोटे बच्चे का, उसको कुछ भी तो पकड़ेगा, देखेगा, तोड़ेगा, कुछ करेगा, उनमें एक जन्मजात एक जिज्ञासा रहती है जो हम लोग बच्चे अपने कर, है ये मत करो वो मत करो, वो सब नहीं है। उसकी जिज्ञासा को हम लोगों को बढ़ा के रखना चाहिए। ये कभी नहीं चाहिए है एक खराब काम है, गलत काम कुछ नहीं। जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे आपको जवाब कहाँ से मिलेगा। मुझे अभी तक याद है एक बार स्वामी दयानंद की बात है, उस समय अभी मूल शंकर थे, दयानंद सरस्वती नहीं बने थे। घूमते घूमते कई जगह उन्होंने काशी में भी क्या संतोष नहीं हुआ कि क्या है, जितना ज्ञान मिलना चाहिए संतुष्टि नहीं हो रही। तो पता करते करते मथुरा में स्वामी विद्यानंद के पास पहुंच गए, तो दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से आवाज, हर एक जैसे पूछता है कौन है, कौन है आप, कौन है, कहता है यही तो पता नहीं, यही तो मैं जानने आया हूं कि मैं कौन हूं, मतलब मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं। तब विद्यानंद जी ने उनको अपना शिष्य बनाने से पहले कहते हैं कि अपनी किताबें हैं जाके यमुना जी में फेंकाओ, क्यों, अगर खाली नहीं रखोगे अपना दिमाग, पहले से ही तुम्हारे अंदर जो दिमाग भरा हुआ है तो नई चीज उसमें कहाँ जाएगी। ये पानी का गिलास अगर भरा हुआ है तो उसमें और क्या डालोगे, गिर जाएगा। तो पहले अपने दिमाग को खुला रखो, ओपन माइंड रखो, उसके बाद एक वैज्ञानिक की तरह पहले उसको, हम लोग हमेशा बोलते हैं क्या किया, उसके बाद ऑब्जर्व करो कि उसका इफेक्ट क्या पड़ा, इन्फ्लुएंस, उसके बाद उसका परिणाम निकालो कि क्या उसका इफेक्ट पड़ा। तो ये है वैज्ञानिक। कोई भी चीज अपने आप को ये मत समझो, किसी ने बोल दिया कि बिल्ली ने रास्ता काटा तो इसका मतलब आगे जाना बंद। हमारे बचपन से ही बोल देते हैं कई बार, तो आप देखिए ये वाकई ये होता है कि नहीं होता, कोई हर्जा नहीं है। इसको भी 10 बार आप करके देखिए, मन को खोल के जाइएगा। मन में अगर रहेगा ना बिल्ली आ जाता, काम नहीं होगा तो पक्का नहीं होगा। क्योंकि आदमी हारता कब है, जब उसका मन कहता है कि मैं हार गया। अगर बच्चा अगर गिरता है तो वो सोचता नहीं है कि भाई अगली बार मैं उठ नहीं सकूंगा, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, धीरे धीरे चलना सीख जाता है। तो हारता आदमी तब है जब उसका मन हार जाता है। जब तक आपको जीता कि मैं जीतूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं चल सकूंगा, अगर ये आपकी भावना है तब आप कभी हारेंगे। और हम लोग तो बोलते हैं कि फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। अगर आप गिरते हैं तभी चलना सीखेंगे। गिरते हैं शह सवार ही मैदाने जंग में, अरे वो जो चला ही नहीं है उस घुटनों के बल चलता रहेगा, वो कभी चले ही नहीं कर सकेगा। तो ये वैज्ञानिक तथ्य हैं जिनको हमारे अंदर आत्मसात करना पड़ेगा। और मैं अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ था, मैंने आनंद जी से पूछा, मैंने कहा 28 तारीख को विज्ञान दिवस में आप कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, तो कहते नहीं मुझे तो रांची कहीं बाहर जाना है। चलिए, मैंने कहा कहीं और देखते हैं हम लोग, क्योंकि मैं खुद इस
विज्ञान दिवस के साथ मुझे बहुत रुचि रहती है। मैं अपने सोचता हूँ कि ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है, जिस दिन हम लोगों के एक वैज्ञानिक को सारी दुनिया ने माना कि हाँ, लोहा माना कि हाँ, कि उन्होंने कुछ काम नया कुछ किया है, मानवता के लिए कुछ किया है। और इसका हम लोग सब मिलकर हम लोग भी अपने स्तर से छोटा मोटा योगदान जो है वो दे सकते हैं। तो आज हम लोग, मैं कई बार कहता हूँ, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि जय जय किसान जय जवान, पर हम साथ में एक बार और जोड़ते हैं कि जय किसान नमस्कार। मैं तो हमसे कोई लेक्चर नहीं है, जब आपके मन में कभी कुछ भी कोई इच्छा हो, कुछ जानना चाहते हैं, हमेशा उठ के पूछना चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए कि भाई हाँ। इसलिए मैं तो आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपके मन में कभी कोई शंका हो तो मिलजुल के, मैं थोड़ा सा जानता हूँ, कुछ आप लोग जानते हैं, और हमेशा और जानने की इच्छा अपने के अंदर हमेशा रखिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।